आज का जो कंपाउंड है वो है CuOH का होल 12। इसका नेम क्या होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट यूज हुए हैं। पहला तो है कॉपर, देन है ऑक्सीजन, देन है हाइड्रोजन। इसे मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल रहे। ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना होता है ये फॉर्मूला। इतना तो आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल छोटा एक बच्चा समझ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। फिर होता आयन, आयन ये टू टाइप के होते हैं। कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी फॉर्मूले बनते हैं आयन के बेस पे बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर एक नंबर होते हैं, अब यहाँ पर इसको टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव हो गया कॉपर, देन जो OH हो गया वो होता है नेगेटिव। कॉपर जो वैल्यू होती है प्लस की टू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है माइनस की वन होती है। दोनों बीच में बराबर लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा CuOH का होल 12। तो ये बन गया क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए मैंने बता दिया कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन गया, तो जो सबसे जरूरी है वो क्या है, Cu का मीन्स होता है कॉपर, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, एंड OH का होता है मीन्स हाइड्रोक्साइड, क्या होता है हाइड्रोक्साइड। ये जो फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इनकेस ऐसा भी लिख कर आता है, कभी कभी क्या होता है लिखा होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखा होता है, तब क्या करेंगे, कॉपर का सिंबल लगाइए, इसकी वैल्यू को याद कीजिए, देखिए OH लिखिए, इस तरह से आप बनाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझ में आया होगा, बेहद आसान भी है। इसके अकॉर्डिंग आप एक दोनों आप हज़ारों फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। जब तक केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं तैयार होंगे तो आपको केमिस्ट्री भी नहीं आने वाली है। तो अगर आप भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।